नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक स्थान पर पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में स्टडी और रिसर्च का एक अनूठा एकीकरण प्रदान करता है। 8 वर्ष की लंबी रिसर्च के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नैनो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ऋष्वगंधा यानी कि रोजमेरी की एक नई किस्म तैयार की गई है, जिसमें सभी तरह के कैंसर खासकर सर्वाइकल कैंसर के इलाज के गुण हैं। आयुर्वेद के आधार पर की गई इस रिसर्च को दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा मंजूरी दी जा रही है। सबसे पहले समझते हैं क्या है नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। केमिस्ट, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञानी प्रत्येक नैनो टेक्नोलॉजी को अपने स्वयं के विषय की एक शाखा के रूप में देखते हैं और सहयोग जिसमें वे समान रूप से योगदान करते हैं। BHU के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की प्रोफेसर शशि पांडे से मिली जानकारी के मुताबिक ये सर्वाइकल कैंसर रोग में एलोपैथी मेडिसिन से भी ज्यादा बेहतर काम करेगी। रिसर्च में दावा किया गया है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। शुरू में उन्होंने इन विट्रो प्लांट टिश्यू कल्चर विधियों का उपयोग करके इस लुप्त प्राय पौधे का उत्पादन बढ़ाया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के प्रोफेसर गोपेश्वर नारायण के साथ रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए ये भी पाया संश्लेषित नैनो करड़ों यानी कि सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स में सर्वाइकल कैंसर के प्रति उपचार की उच्च क्षमता मौजूद है। साथ ही लैब में एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार किया गया और लैब में सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स और अल्ट्रा वायलेट रेज की माइक्रो क्वांटिटी के साथ ट्रीटमेंट किया गया। इसमें पाया गया कि इस पौधे में जो औषधीय गुण यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले बायोएक्टिव फैक्टर विथानोलाइट्स है, उसमें 50% की बढ़ोतरी हो रही है। आइए अब जानते हैं क्या है ऋष्वगंधा यानी कि रोजमेरी। ऋष्वगंधा मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की शुष्क गर्म जलवायु परिस्थितियों में पाया जाता है। ऋष्वगंधा को आमतौर पर पनीर का फूल या पनीर बंध और साइंटिफिक लैंग्वेज में विथानिया कोलागिनस के नाम से जाना जाता है। ऋष्वगंधा को पनीर का फूल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में इसके बीजों के एंजाइम प्रोटीज से दूध की तरह पनीर बनाई जा सकती है। वैसे प्रोफेसर पांडे ने कहा है कि अब भविष्य में नैनो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा पनीर के इस फूल को इंडेंजर्ड कैटेगरी से निकालकर सामान्य श्रेणी में लाया जा सकेगा। अगर इसका उपयोग ह्यूमन लाइफ में बढ़ता है तो इसका उत्पादन स्वतः ही बढ़ जाएगा। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.बातेंयूपी.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।